ये आपकी 6.5 kg की वॉशिंग मशीन है इवन ऑर्डर, ठीक है। तो आप इसमें एक टाइम में लगभग 14 से 15 कपड़े आप इसके अंदर धो सकते हो। तो 15 कपड़ों के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले मशीन को यहाँ से ऑन करनी है। यहाँ से ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे पावर का बटन दिया जाता है, तो आपको पहले पावर ऑन करना है। पावर ऑन करने के बाद आपको इसके अंदर कपड़े डालने हैं। जैसे कि अभी आपको 15 कपड़े डालने हैं, तो आपको 15 कपड़े आप इसके अंदर डाल सकते हो, 14 या 15 कपड़े, ठीक है, इसके अंदर। और अभी समझो इसके अंदर 15 कपड़े हैं, तो 15 कपड़ों के लिए आपको इसके अंदर 60 ग्राम पाउडर यूज़ करनी है। इसमें डालनी है, ठीक है। और वॉशिंग मशीन का जो नल रहेगा वो कंपलसरी चालू रखने का है आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो पाउडर यहाँ पे डालना है 15 कपड़ों के लिए, 14 या 15 कपड़ों के लिए। अगर 10 से कम कपड़ा है, जैसे कि 8-9 कपड़ा है, तो उसके लिए आपको 30 ग्राम पाउडर यूज़ करनी है, मतलब 30 ग्राम आपको पाउडर इसके अंदर यूज़ करनी है, ठीक है। उसके अलावा लिक्विड यूज़ करना है आपको, तो लिक्विड यूज़ करने के लिए आपको मतलब 14 या 15 कपड़े 40 ml और 10 से कम कपड़ों के लिए 20 ml, ऐसी क्वांटिटी आपको रखनी है। और लिक्विड कैसे डालना है आपको, लिक्विड ऐसे कपड़ों के ऊपर नहीं डालना है, कपड़ों के ऊपर नहीं डालना है आपको। एक छोटा टब आता है, उसके अंदर थोड़ा पानी लेके उसके अंदर लिक्विड डालना है, उसको घुला के फिर जब पानी इसके अंदर पूरा पैक हो जाएगा उसके ऊपर आप वो लिक्विड डाल देने का, ठीक है। और ये फिल्टर आता है, जैसे कि इसके अंदर आपके कपड़े के जो धागे दोरे जो होते हैं तो वो इसके अंदर आके अटक जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका अंदर का कपड़ा जो आपको चेक करके डालने का है। ये आपका कंट्रोल पैनल रहता है, तो कंट्रोल पैनल आपने जैसे अभी कपड़े डाल दिए तो आपको करना क्या होता है, ऑटो, ये ऑटो वाला प्रोग्राम होता है। ऑटो यानी ये रेगुलर के कपड़े आप इसके अंदर धो सकते हो। ऑटो में आपको वाटर लेवल, यहाँ पे वाटर लेवल दी जाती है, जैसे कि आपने अभी 15 कपड़े हैं तो आपको हाई रखनी पड़ेगी वाटर लेवल, ठीक है। यहाँ पे आप लाइट दिखेगा, और उसके बाद आपको लगता है कि 10 से कम कपड़े हैं तो आपको मीडियम रखना है। तो यहाँ पे कुल टाइमिंग जो है 54 मिनट दिखाएगा। यहाँ पे एक्टिव रहेगा स्पिन, रिंस और वॉश। अगर आपको इसके अंदर सोक करना है, यानी सोक करके यानी भिगो के रखना, जैसे आपको इसके अंदर कपड़े भिगो के रखना है, तो आपको इसको ये प्रोग्राम वाले की को एक बार प्रेस करना है, तो यहाँ पे सोक का इंडिकेटर चालू हो जाएगा, फिर यहाँ पे एकदम से लाइट लग जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, सोक, वॉश, रिंस और स्पिन। फिर आपको वाटर लेवल सेट करनी है, जैसे कि मैंने कर दी मीडियम, मतलब मेरे 10-12 कपड़े, तो मैं यहाँ पे कुल 1 hour 9 minutes का यहाँ पे टाइमिंग आएगा। फिर आपको करना कुछ नहीं, यहाँ से डायरेक्ट मशीन को स्टार्ट कर देना, मशीन यहाँ से पानी लेगी और अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरा आता है रेगुलर, जैसे कि रेगुलर में आप डेली के कपड़े आप इसके अंदर वॉश कर सकते हो। रेगुलर के जैसे कि पैंट, शर्ट, साड़ी वगैरह जो रेगुलर के कपड़े वो आप इसके अंदर वॉश कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ नहीं करना है आपको, रेगुलर सेट करना है। उसके बाद आपको वाटर लेवल सेट करनी है कपड़ों के हिसाब से, जैसे कि मैंने पकड़े अभी 10 कपड़े हैं मेरे, तो 10 कपड़ों का टाइमिंग पकड़ा है और 51 मिनट यहाँ पे टाइमिंग है और मशीन को मैंने स्टार्ट कर दिया, ऐसा इंडिकेटर इसके अंदर बजेगा, ठीक है। और 51 मिनट हो जाएगा फिर अपने आप बंद हो जाएगा। इसके अंदर रिंस, वॉश, रिंस और स्पिन जो भी प्रोसीजर चलेगी वो लाइट ब्लिंकिंग करना चालू हो जाएगा। जैसे कि वॉश होगा तो वॉश पे, रिंस होगा रिंस पे, या स्पिन होगा या स्पिन पे, ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलर हो गया, और इसके अंदर आता है स्ट्रॉन्ग। इसके अंदर भी आप सोक एक्टिव कर सकते हो, सोक यानी भिगो के रखना, तो आप सोक भी इसके अंदर एक्टिव कर सकते हो। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यानी ये हेवी कपड़ों के लिए, जैसे जीन्स वगैरह रहते हैं ना, तो वो कपड़ों के लिए आप इसके अंदर चादर वगैरह धोना, वो धो सकते हो आप। स्ट्रॉन्ग में आता है वो, तो स्ट्रॉन्ग में क्या करना है, स्ट्रॉन्ग में आपको वाटर लेवल ऑलरेडी सेट की हुई रहती है, मतलब आपको कुछ नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग के अंदर आपको एक बार प्रेस करोगे तो सोक भी हो जाएगा इसके अंदर, सोक भी एक्टिव हो जाएगा। अगर आपको सोक नहीं करना है तो फिर आपको फिर से एक की को आपको प्रोग्राम वाले की को आपको प्रेस करते रहना जब तक स्ट्रॉन्ग पे ना आ जाए। अभी स्ट्रॉन्ग पे आ गया तो आपको 52 मिनट यहाँ पे टाइमिंग दिखा रहे हैं। प्रोसीजर वॉश, रिंस, स्पिन, ये 3 प्रोसीजर चलेगी, उसके बाद वाटर लेवल भी हाई है। आपको स्ट्रॉन्ग सेट करने के बाद डायरेक्टली मशीन को स्टार्ट कर देना है।
उसके बाद आता है क्विक वॉश। क्विक वॉश यानी जल्दी, जैसे कि आपके कपड़े ज़्यादा मैले नहीं है बट कम टाइम में आपको इसके अंदर वॉश करना है, तो आपको यहाँ पे क्विक वॉश का एक प्रोग्राम दिया है। क्विक वॉश यानी 29 मिनट के इसके अंदर आपका कपड़े धुल के आ जाएंगे। तो इसकी वाटर लेवल ऑलरेडी सेट रहती है, जैसे कि हाई पे है, और मशीन को आपको डायरेक्ट स्टार्ट कर देना। जैसे क्विक वॉश लगाओगे तो मशीन को ये दो ही चीज़ प्रेस करनी है आपको, ये एक और ये प्रोग्राम वाली। जैसे कि आपको यहाँ पे क्विक वॉश पे आ जाता है तो मशीन को आपको डायरेक्ट स्टार्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आता है रिंस ओनली। रिंस ओनली यानी जैसे कि आपके कपड़े ख़राब नहीं है, मतलब मैले नहीं है, फिर भी आपने पसीने की बदबू आ रही है, अपने स्मेलिंग की स्मेलिंग आ रही है, तो आपको लगता है कि इसके अंदर एक बार वॉश करना है, तो आपको करना कुछ ही नहीं है, यहाँ पे रिंस ओनली पे जाना है। रिंस ओनली पे जाने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट कर देना है, 23 मिनट में आपके जो रिंस ओनली का जो प्रोग्राम है वो होके आ जाएगा, रिंस होगा और डायरेक्ट होगा। उसके बाद आता स्पिन ओनली। स्पिन ओनली यानी जैसे जैसे आपने बाहर कपड़े धोए, आपके इसके अंदर खाली सुखाना है, तो स्पिन ओनली पे जाके आप डायरेक्ट मशीन को स्टार्ट कर देंगे तो स्पिन हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये इसमें ड्राई हो जाएंगे? हाँ, ड्राई हो जाए, 70% इसके अंदर ड्राई हो जाएगा। उसके अलावा डिले का एक की दी है आपको, जैसे कि ऑटो में मैं आप अभी मैं मशीन को पावर ऑन करता हूँ, यहाँ पे ऑटो पे आ जाता है, पावर ऑन करने के बाद ऑटो पे आ जाता है, तो इसके अंदर मुझे समझो डिले टाइम लगाना है। डिले जैसे कि मुझे लगता है कि मुझे 2 घंटे बाद मशीन को स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा 2 बार, 2 आवर्स आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑटो वाला प्रोग्राम ऑलरेडी सेट है, तो आपको वाटर लेवल इसके अंदर सेट करनी है। जैसे कि कपड़ों के हिसाब से 15 कपड़े तो हाई लेवल मैंने सेट कर दिया, उसमें मशीन को बार स्टार्ट कर दिया। इसमें प्रोसीजर की वॉश रिंस स्पिन, जैसे कि 2 घंटे बाद अब ये 2 घंटे जैसे कि 2 आवर्स जैसे कि ख़त्म हो जाएगी तो अपने आप मशीन स्टार्ट हो जाएगी और अपने आप कपड़े मतलब ड्राई होके अंदर है, ठीक है। और कुछ पूछना है आपको? नहीं, वैसा नहीं, अपने को तो ये रेगुलर जो है ना, रेगुलर कपड़े आपके कपड़े कम मैले रहते हैं, मतलब हर रोज के, तो आपको मशीन को वहाँ से ऑन करना है, यहाँ पे पावर ऑन करनी है, तो रेगुलर के लिए आप इसके अंदर वॉश कर सकते हो, इसके अंदर रेगुलर में आपने वो ये कर दिया, तो आपको यहाँ पे जाना है, वाटर लेवल जो कपड़ों के हिसाब से आपको सेट करनी है, मैंने कर दी हाई, तो हाई करने के बाद मशीन को डायरेक्ट स्टार्ट कर देना है। अच्छा, ठीक है। अब दूसरा एक ये सिस्टम मेरे को बताओ, समझो के अपने स्टार्ट कर दिया, इसमें पानी नहीं होता, पानी नहीं हो तो इसका अंदर एक रहता है कि जैसे पानी नहीं रहेगा, इसकी टाइमिंग रहती है कि जैसे पानी लेने के कुछ 5 या 6 या